नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा गर्ग और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की स्पेशल रिपोर्ट। तो आज हम स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हैं 26 जून के बारे में। तो दोस्तों, आज 26 जून है और 26 जून के दिन आज बहुत ही खास दिन है और इस खास दिन के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है, या तो लोग वो जानना नहीं चाहते या जिन्हें पता होता है तो वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। तो आज के दिन बहुत ही खास डे है। तो मैं आपको बता दूं ये खास डे क्या है। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है। जी हाँ दोस्तों, जो कि भारत में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी इस दिवस को मनाया जाता है। 26 जून 2019 के अंदर भी इसे मनाया गया था। तब एक थीम रखा गया था कि स्वास्थ्य के लिए न्याय और न्याय के लिए स्वास्थ्य। हर बार ये थीम बदलता है और 26 जून 2020 के अंदर भी इसे फिर से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस ये जो दिन है वो इसलिए मनाया जाता है ताकि हम नशे की रोकथाम कर सकें और जो नशे से जो ग्रस्त हैं लोग हैं उनका भी हम उसको बता सकें, उन लोगों को भी प्रेरित कर सकें कि हमें नशे से मुक्ति पाना है और लोगों को प्रेरित कर सकें कि जो नशा है कितना घातक है। जिस तरह से नशा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है भारत में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर, और सिरसा भी पंजाब की सीमा से लगता है, पंजाब में तो इसने अपने पैर पसार ही रखे हैं। धीरे धीरे अब ये हरियाणा में भी अपने पैर पसार रहा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है अफीम, गांजा, चरस, हीरोइन के साथ, जो कि करोड़ों लाखों रुपए की होती है। तो आप सोच सकते हैं कि नशा किस हद तक बढ़ चुका है और ये कितना घातक हो सकता है। अगर हम पंजाब की बात करें तो हर दूसरे घर के अंदर आपको एक व्यक्ति नशे से ग्रस्त मिलेगा और यही हालात कहीं ना कहीं हरियाणा के भी होते जा रहे हैं। और इसी मैटर को लेकर बहुत सारी संस्थाएं आगे आई हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी आगे आए हैं कि जो नशे से ग्रस्त जो लोग हैं उनका वो इलाज कर सके। तो दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आपने नशा करना है तो बुक्स का कीजिए, अपने परिवार का कीजिए, वो आपको फ़ायदेमंद होगा। अगर आप किसी नशीली चीज़ का नशा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए तो घातक सिद्ध ही होगा, आपके परिवार के लिए भी होगा। क्योंकि जब आप नशे से ग्रस्त होते हैं तो आपके परिवार की हालत क्या होती है ये आप सोच भी नहीं सकते। तो हम सभी लोगों से एक ही प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन जब अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जा रहा है तो आप भी इस मुहिम में शामिल होइए और ये प्रण लीजिए कि आप नशे से मुक्ति पाएंगे अगर आप नशे से ग्रस्त हैं और नशा नहीं करेंगे और इसको रोकने के लिए भी आगे आएंगे। अगर आप देखें तो न्यूज़ का, अगर हम देखते हैं सोशल मीडिया देखते हैं तो वहाँ पर भी चिट्टे को लेकर काफ़ी सारी बातें हैं वो होती रहती हैं। इन बातों पर चर्चा भी होती है, इन मुद्दों को उठाया जाता है। नशे जैसे मुद्दे हैं वो हमारी संसद में भी उठ चुके हैं। अब वक्त है कि हम इन मुद्दों पर काम करें और आज के दिन 26 जून 2020 के अंदर हम ये प्रण लें कि आने वाले समय के अंदर ना तो हम नशा करेंगे और हम इस नशे की रोकथाम के लिए आगे भी आएंगे। जो थीम इसका है कि स्वास्थ्य के लिए न्याय और न्याय के लिए स्वास्थ्य, इसे पूरी तरह से सफल बनाएंगे। आज हम डॉक्टर तुषार गोयल से नशे के बारे में उन्हीं की जुबान से कुछ सुनेंगे। तो आज हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है नशे के बारे में देने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कि तुषार गोयल ने इस वीडियो में क्या मैसेज दिया। सबसे पहले तुषार जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रेस वार्ता में। नमस्कार जी, मैं आपका सबका अभिवादन करता हूँ। आपने बड़ा आज का हॉट टॉपिक उठाया है जिसको कहते हैं और प्लस करंट अफेयर हो गया, बिकॉज हमारा विश्व में, मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में या सब समय, अंतर्राष्ट्रीय इट इज अ वर्ल्ड डी एडिक्शन डे जो हफ्ते तक चलता है उसे मनाया जाता है सिर्फ इसीलिए कि इसकी रोकथाम हो सके, इसके लोग गलत कारण जान सके और हम कैसे बच सके इनसे जान सके। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि 26 जून 2019 के अंदर एक थीम रखा गया था कि स्वास्थ्य के लिए न्याय और न्याय के लिए स्वास्थ्य, कि जो लोगों को प्रेरित करता है कि अपने स्वास्थ्य के साथ आप न्याय कीजिए, तो लोग फिर भी कहीं ना कहीं नशे के शिकार हो रहे हैं, आप इसका रीजन किसे मानते हैं? मैडम, इसका रीजन देखिए, अगर आप नशा मानेंगे तो नशा बेसिकली यंगस्टर्स में चलता है। यंगस्टर्स मतलब 19 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र में आप डाल दीजिए तब तक वालों में नशा चलता है। इसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण है पीयर रिलेशनशिप, मतलब आप भी करते हो, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखा देखी में जिसको हम कहते हैं, हमने साथ वालों को देख के शुरू कर लिया, कोई किसी को कराए ना कराए पर साथ वालों देख के शुरू कर लिया। तूने 1000 की शर्ट पहनी है, आपने 1000 का पैंट पहना, मैं भी 1000 का पहनूंगा, चाहे मेरे पास 500 रुपये में, पीयर रिलेशनशिप होती है। फिर एक होता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल आता है। फिर कुछ में ये होता है कि हमें इनसे टेंशन एंजाइटी वगैरह दूर होती है, जो कि गलत है, वो कि एक तथ्य है, सच्चाई नहीं है, एक जिसको कहेंगे मिथ्या है पर सच्चाई नहीं है,
इसमें तो आदमी अंदर ही अंदर मानसिक रोगों में घुसता जाता है। बेसिकली नशा करना या नशे के आदि होना एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल प्रॉब्लम तो बाद में होती है। मतलब विश्व के जिस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी सब्सटेंस अब्यूज, कोई भी चीज़ का गलत चीज़ का इस्तेमाल करना, नशीली चीज़ को उन्होंने साइकेट्री के अंदर स्पेशलाइज किया है। उन्होंने इसको कोडिंग भी दी है, अलग अलग नशे की तरह की कोडिंग है। जैसे हम 12 तरह की कोडिंग देते हैं, शराब की अलग, अफीम की अलग, गांजे की अलग, सुपारी की अलग, मतलब हर चीज़ की अलग अलग कोडिंग है। तो वो सब साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में आके मानी जाती है। पीयर रिलेशनशिप होती है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, और फिर कईयों को स्कूल एक्टिविटीज़ या कॉलेज एक्टिविटीज से लेके देखना चाहते हैं, कुछ टेंशन एंजाइटी इनके कारण लेते हैं। कुछ के अंदर ये मिथ है कि हमें फील ऑफ हाई एस्टीम होती है, हम बड़े लोग बनते हैं, वो मतलब गलत रास्ते पे चलते हुए इन सब चीज़ों के आदि हो जाते हैं। सर, एक चीज देखी जाती है कि अक्सर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि एक बार तो नशे की जो लत है वो छूट जाती है, लेकिन जब हम दोबारा उस नशे की चीज को देखते हैं हम फिर उस लत के आदी हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? मैडम, मेरा मानना है कि नशे को छुड़वाना, जो कि एक बहुत बड़ा मेहनत का काम है, इसके लिए हमें उससे पहले, जो सबसे पहले नशा करता है, जो नशे का आदी हो चुका है, उसके लिए हमें हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, उसका एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। जब इंसान मानता है कि मैंने नशा कर लिया है, तो उसे बाकी मरीजों की तरह मरीज मानकर उसका अच्छे से इलाज करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, और दवाइयाँ जब तक भी डॉक्टर्स क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट दे रहे हैं, हमें टाइम पर टाइम लगातार उनको दिखा के देते रहना चाहिए। इसलिए ये नहीं कि एक बार दवाई दी नशा छूट गया, नहीं, ये गलत है, लंबा काम है। पहले फेज में तो सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन होती है, डिटॉक्सिफिकेशन के बाद हमें उसकी रिहेबिलिटाइजेशन भी करनी पड़ती है। रिहेबिलेशन सेंटर्स में नहीं डालना तो कम से कम घर पर रिहेबिलेशन करूँ, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। मैं उसके लिए सकारात्मक हमें एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, उसको हम बार बार ताने ना मारें, वो मतलब गर्ल्स स्लैंग्स ना यूज़ करें, जैसे हम अफीम वालों के लिए अफीम ची कहते हैं, पोस्ट वालों अफीम भोकी डोडा चूरा पोस्ट, सब एक चीज़ हम गलत शब्दों से बोल रहे हैं, गलत बात है। बजाय हम उसकी इस बात को सराहना चाहिए कि तुमने नशा किया, चलो कोई बात नहीं, अब हम उसे छोड़ेंगे, आप छोड़ो, हम छुड़वाने में आपकी सहायता करेंगे। तो जब तक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से अकेला नशे पीड़ित को नशा छोड़ना मुश्किल होगा। सर, एक चीज हमने ये भी देखी कि पहले लड़कियां हैं वो नशा नहीं करती थी, लेकिन अब भी लड़कियां इस जो लत की है वो आदि होती जा रही है। लॉकडाउन के अंदर भी जब शराब के ठेके खुले तो शराब के ठेकों पर लड़कियां भी मिली, तो कहीं ना कहीं लड़कियां भी इस लत की आदि हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैडम, ये आजकल के कल्चर के हिसाब से जाएंगे, आजकल के सिनेरियो के हिसाब से जाएंगे। आप ये मान लीजिए कि अब लड़कियां व्यसन वाली चीजों की आदि होती जा रही हैं, चाहे वो शराब है या कोई और भी तरह के नशे हैं। इसमें इससे ज़्यादा कन्वेंट तो और क्या करना चाहिए, सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, घर तो माँ बाप के लिए तो दोनों ही अनमोल होते हैं। सर, हमने एक चीज़ और भी देखी है कि जब हम शुरुआत में नशे का एक बंदा है जो वो आदी होता है, शुरुआत में जब उसको ये आदत छुड़वाई जा सकती है, जब वो थोड़ा थोड़ा ड्रग्स लेने लगता है, अगर हम उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट करें तो क्या उसका इलाज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है मैडम। अगर हम उसके नशा जब उसने शुरू किया है, मान लीजिए हफ्ता हो गया, 5 दिन 10 दिन हो गए हैं, हमको पता लग गया कि वो करता है, तो हमें नशा छुड़वाना जल्दी रहेगा, दवाई भी कम टाइम पे दी जाएगी, वह मरीज या नशा करने वाला व्यक्ति को जरा दुख नहीं झेलना पड़ेगा और हमें उसको छुड़वा देना चाहिए। सर, एक चीज और, लगभग आपके पास मरीज नशे के आते हैं इलाज करवाने के लिए आते हैं, किस टाइप्स के मरीज आपके पास आते हैं? मैडम, टाइप मतलब नशा किस तरह का करते हैं? जी मैडम, नशा अपने इधर सब तरह का करते हैं लोग, शराब का भी लेते हैं, अफीम का, पुकी डोडा चूरा पोस्ट, आजकल आपने बड़ा दो शब्दों का नशा सुना होगा, चिट्टा स्मैक, हीरोइन, गांजा, स्मोकिंग, चाहे वो हुक्का है चाहे बीड़ी है चाहे सिगरेट है, इन सब चीज़ों को नशे चल रहे हैं अपने यहाँ। सर, एक चीज और पेरेंट्स कहते हैं कि ये कंपनी का असर है, ये संकट का असर है, जो हमारा बच्चा है वो किसी कंपनी के अंदर रहकर बिगड़ गया, ये नशे का आदि हो गया, इस बात में कितनी सच्चाई है? चलो मैडम, कंपनी से पता चल गया कि इस चीज से नशा होता है, उसको लेने के बाद जो चेंजेस आए तो क्या माँ बाप की कोई ड्यूटी नहीं बनती? ये लाइन कह देना कि उसके लड़के ने करा के हमारे बच्चे को खराब कर दिया,
तो आपकी कोई ड्यूटी नहीं थी, अभिभावकों की कोई ड्यूटी नहीं बनती अपने संतानों के खिलाफ पे हम उसमें देखे कुछ करें। वो क्यों आंख बंद कर ऐसे बिल्कुल ऐसे हुए थे कि बच्चा हमारा नहीं है, और अगर है भी तो किसी और ने कराया, हमारे वाले तो खराब नहीं है। खराब नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम उसका स्वास्थ्य तो देखो, आप अपना परिवार देखो, वो सब खराब हो रहा। इस बात को लेकर हम तकिया कलाम नहीं बना सकते हैं कि उसके बेटे ने करा दिया, उसके संगत ने करा दिया। बेटा आपका जा रहा है, अगर सब ये बात ले लें कि मैंने मेरे बेटे को बचाना है, तो मैं नहीं समझूंगा कि कोई अपने बेटे को खराब होने देगा या फिर नशेड़ियों की संगत बने। सर, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर सभी जो भारतवासियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो नशे से दूर रहें? पहली लाइन तो मुंह से यही निकलती है, नशे से दूर रहें, परिवार को और अपनी जिंदगी को बचाएं। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश वो नशे की दलदल में घुस भी जाते हैं, तो इसमें उन्हें हिचकिचाना नहीं चाहिए और शर्माना नहीं चाहिए, अपने आप को दोषी नहीं मानना चाहिए, अपने अभिभावकों को, दोस्त को, स्कूल टीचर्स को, फ्रेंड्स को, ऑनलाइन फ्रेंड्स को बताकर उनकी अपनी बैसाखी या सहारा मानकर बाहर आना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपने इलाज की सारी दिक्कत बतानी चाहिए। साइकेट्रिस्ट इज नॉट ओनली डॉक्टर, काउंसलर भी होता है, फ्रेंड भी होता है, सब कुछ करके मुसीबत से बाहर निकाला जाएगा और इलाज बाहर होगा। सर, एक चीज आपने अभी कही कि जो लोग हैं जब नशे के आदि होते हैं वो खुलकर बात नहीं करते, इस बात को छुपाते हैं, जब फैमिलीज भी उनको पहचान नहीं पाती है, तो ऐसे में क्या सलूशन है उन लोगों को, आप क्या मैसेज देंगे कि इस टॉपिक पर वो खुलकर बात करें या इस चीज का निवारण वो किस तरह से करें? मैडम, इसका निवारण कोई भी बिल्डिंग की चौथी मंजिल एकदम नहीं बनती है, खुदाई से शुरू होगी, फिर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में पेरेंट्स और बच्चों को बीच में रिलेशन गाइडेड वे में दोस्ताना होने चाहिए। अगर कोई बच्चे से गलती होगी है, वो अपने माँ या बाप से या बड़े भाई से बात तभी करेगा जब वो उसे डर महसूस नहीं करता। पिटाई का या कोई भी चीज़ का हम मान लीजिए, तो फिर वो आपसे डिस्क्लोज नहीं करेगा। अगर फ्रेंडली वे में डिस्क्लोज कर दे तो उसको सुन लो और उसके ऊपर इलाज कीजिए, और अगर वो भी नहीं होता है तो कुछ लक्षण होते हैं जिससे हमें ये पता लग जाता है कि शुरुआती दौर में ये नशा पीड़ित हो रहा है शायद, तब हमें डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। ऐसे मेरे पास एक दो एग्जांपल है भी कि जिन्होंने अपने बच्चों में एक दो व्यवहार बदलाव देखे, कोई एक दो कारण देखे, हमने देखा कि उन्होंने नशा मारा गया, कि सर सारा कुछ ठीक है, आप इसका इलाज कीजिए। सर, जैसे कि आपने कहा कि लक्षण भी है, वो लक्षण क्या है, उसका निवारण क्या है? मैडम, लक्षण तो है ज़्यादा सोए रहना, ठीक है, खिंच ज़्यादा होना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, भूख ना लगना, रोटी ना खाना, आपको अपशब्द बोलना, लड़ाका होना, चिड़चिड़ा होना, या फिर आपकी बात ना मानना, जिम्मेवारी ना समझना, कोई हल्की फुल्की घर से चीज़ें हिलना, चोरी होना, ठीक है, ये सब लक्षण ऐसे हैं, या हर चीज़ को भाने में बना कर टाल देना, जिसको कहते हैं हम अनगहली कर देना, ये मोटे मोटे कारण होते हैं जिससे पता लगता है कि फलाना आदमी नशा कर रहा है। सर, इसके निवारण क्या है? पहले तो मैडम घर पे देखना चाहिए, अगर ऐसा कुछ होता है घर पे समझाना चाहिए माँ बाप को, जिसको हम कहते हैं माँ बाप एक बड़े मार्गदर्शक होते हैं। माँ बाप ही क्या है, सारी जिंदगी माँ बाप ने बच्चे पैदा कर दिए, तो उसको अंत तक अपनी जिंदगी के अंत तक कम से कम उसके ऊपर ख्याल रखें। ये बिल्कुल ना सोचे कि बड़ा हो गया, जवान हो गया, कुछ भी है, उनसे बड़े वही हैं वो, उसके कोई भी ऐसे लक्षण हो उस पर ध्यान रखें और उसको उस चीज पे हमेशा गाइड करते रहें, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी है, या कोई है। तो ये थे मेरे साथ नशा मुक्ति विशेषज्ञ डॉक्टर तुषार गोयल, जिन्होंने हमें बताया कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर से हाजिर होंगे एक स्पेशल रिपोर्ट के अंदर एक विशेष टॉपिक लेकर। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।